अम्बाला में सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और जिस कारण उनकी फसल पर लागत कीमत भी उन्हें नहीं मिल रही। किसानों ने सरकार से पहले भी कई बार गुहार लगाई है कि सब्जियों का समर्थन मूल्य तय किया जाए, लेकिन समर्थन मूल्य तय ना होने के कारण आज किसानों को काफी नुकसान सहना पड़ रहा है। हाँ जी, मैं प्रदीप कुमार, गांव शाहपुर। ये जो गाजर के खेत हैं वो खेत मेरे हैं और ये मैंने ज़मीन ठेके पे लेके इसमें गाजर बोई हुई है और इस पे मेरी पैदावार का खर्चा 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आ रहा है और मेरी गाजर 5 रुपये किलो बिक रही है। मुझे इसमें अधो आध का लॉस है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि हमारी सब्जी का समर्थन मूल्य फिक्स किया जाए कि जिससे हमारी पैदावार अच्छी हो और हमें कुछ मुनाफा हो। इस संबंध में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का कहना है कि सब्जियों का कोई भी समर्थन मूल्य तय नहीं किया जा सकता। देखो, सब्जियों का तो मार्केट रेट होता है, सब्जियों का तो जो मार्केट में रेट होगा वही मिलेगा। सब्जियों का कोई समर्थन मूल्य थोड़ा होता है, होता है जो समर्थन मूल्य। नहीं, पूछ रहा हूँ, कोई समर्थन मूल्य तो नहीं होता। अंबाला से आजाद टीवी न्यूज के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।